नमस्कार किसान भाइयों, मैं रजनीश कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे गेहूं की दो ऐसी किस्मों के बारे में जिनका उत्पादन बहुत ही अच्छा है और साथ ही वह कम सिंचाई में पककर तैयार हो जाती हैं और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन देती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें, जिससे कि इन वैरायटियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किन वैरायटियों को चुना है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस वैरायटी को आपने चुना है वो आपके क्षेत्र के हिसाब से सही नहीं है। ऐसे में हम अपने किसान भाइयों को आज दो ऐसी वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं करण वंदना DVW 187 की। किसान भाइयों, इस किस्म की खास बात ये होती है कि मौजूदा किस्में जैसे कि 2967, 307, 2733 और DVW 39 की तुलना में इस किस्म की पैदावार बहुत ही अधिक है। वहीं बात करें इसमें सिंचाई की, तो जहां और किस्मों में 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत होती है, लेकिन इस प्रजाति के लिए आप 2 से 3 सिंचाई कर सकते हैं और इसमें आपकी फसल तैयार हो जाएगी। वहीं बात करें इसके पौधों की लंबाई की, तो इसकी औसतन लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है, जिसके कारण इसके पौधे गिरते भी नहीं हैं। यह किस्म 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यह किस्म के जो होती है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि इस किस्म में रोग लगने की संभावनाएं जो होती हैं बहुत कम होती हैं। वहीं बात करें इसके उत्पादन की, तो लगभग 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी किस्म के बारे में जिसका नाम है DVW 222। किसान भाइयों, DVW 222 गेहूं की नई एवं उन्नत किस्म मानी जाती है जो कि 2019 में किसान भाइयों के बीच में आई थी। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में जल स्तर तेज़ी से घट रहा है उन क्षेत्रों के लिए यह किस्म किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह किस्म कम से कम पानी में ज़्यादा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अगर बात करें इसकी बुआई के समय के बारे में, तो 25 अक्टूबर से आप 25 नवंबर के बीच में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। वहीं इसकी बीज मात्रा के बारे में आपको बता दें कि 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज पड़ता है और यह किस्म 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें इसके उत्पादन की, तो यह किस्म 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, इस किस्म की पौधे की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। वहीं इसका तना थोड़ा मोटा होने के कारण इसकी जड़ मिट्टी में अधिक गहराई तक जाती हैं, जिसके कारण तेज़ हवा चलने पर भी इसका पौधा गिरता नहीं है। इस किस्म की खासियत यह है कि इसका पौधा जब आधा मीटर का हो जाता है तभी से बालियां आनी शुरू हो जाती हैं, इस कारण से इसकी अच्छी पैदावार मिलती है। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हम फिर आएंगे एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय जवान, जय किसान।